इससे पहली क्लास में हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया था अलग अलग केसेस में एक केस था जिसमें कोई मोशन नहीं था दूसरा केस था जिसमें यूनिफॉर्म मोशन था ये यूनिफॉर्म मोशन वाला था और स्लोप का कॉन्सेप्ट हमने समझा था और तीसरा था जब स्पीड इंक्रीज़ कर रही हो और चौथा जब स्पीड डिक्रीज़ कर रही हो आज के दिन कुछ और पोजीशन टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ से आप कैसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ हमने यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा सीखा था अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनते हैं वो कुछ ऐसे बनते हैं कि ऐसा कुछ हमने ग्राफ बनाया था पोजीशन वर्सेस टाइम और ये ग्राफ अपने को दिखाता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पोजीशन भी बढ़ती जा रही है किसी एक टाइम यहाँ पे पोजीशन थी इतनी फिर जैसे ही टाइम बढ़ा पोजीशन यहाँ से यहाँ चली गई तो ये अपने को दिखा रहा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस है वो जहाँ से बंदा ऑब्ज़र्व कर रहा है वहाँ से ऑब्जेक्ट दूर मूव कर रहा है क्या हमेशा ऐसा ही होगा ऐसा भी तो हो सकता है कि आदमी यहाँ खड़ा है और जिस ऑब्जेक्ट का वो ग्राफ बना रहा है मोशन का वो ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है तो इस केस में किसी एक टाइम पे ऑब्जेक्ट पहले दूर होगा और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा जब ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा तो पोजीशन जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होनी चाहिए तो उस केसेस में कैसा ग्राफ बनता है उस केसेस में जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनते हैं जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा इस तरफ पोजीशन इस तरफ टाइम अब इस ग्राफ से देखो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है डायरेक्टली मैं देख सकता हूँ यहाँ जब टाइम था तो इस टाइम पे पोजीशन थी इतनी ये पोजीशन थी ये टाइम टी वन और जैसे टाइम बढ़ा टाइम हम यहाँ पहुँच गए किसी एक आगे वाले टाइम पे तो पोजीशन हो गई ये दिस इज P1 वन दिस इज तो टाइम तो बढ़ा है पर पोजीशन के साथ क्या हुआ है पोजीशन डिक्रीज हो गई है तो इसका मतलब ये एक ऐसे मोशन का ग्राफ है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो रेफरेंस की तरफ इस बंदे की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है इसे दूसरे टर्म्स में आप ऐसे कह सकते हैं कि यहां अगर ये वाली डायरेक्शन आपने पॉजिटिव मानी है और पोजीशन आपने पॉजिटिव लिखी है तो वेलोसिटी जो है उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है और अगर आपने ये डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी कैसी नेगेटिव तो इसका मतलब यहां वेलोसिटी कैसी है नेगेटिव है सो so, ये वाला ग्राफ अपने को दिखाता है हियर वेलोसिटी इज नेगेटिव वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी नेगेटिव होगी और इस चीज़ को हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप मैथ्स के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये अगर आपका ग्राफ है और इस ग्राफ पे यहाँ टाइम बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रही है तो इसे हम कहते हैं कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है और अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बने दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस टाइम बढ़ता जा रहा है पोजीशन डिक्रीज होती जाएगी तो इस टाइप के ग्राफ में हम ये जो लाइन है इसका जो स्लोप बताते हैं दैट इज़ नेगेटिव स्लोप तो इसका मतलब यहाँ से अगर वेलोसिटी आपको निकालनी है तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी वेलोसिटी विल बी नेगेटिव तो यहाँ से वेलोसिटी आएगी पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप तो वेलोसिटी पॉजिटिव और इस टाइप के पॉजिशन टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी मिलेगी नेगेटिव तो ये हुआ हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव वाली प्रॉब्लम कि कैसे टाइम ग्राफ बनता है अब हम दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं जो मोशन में हमारा दूसरा ग्राफ प्लोट होता है दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो वही करेंगे एक एक्सिस पे वेलोसिटी लेंगे दूसरी एक्सिस पे टाइम लेंगे अब की बार इस वाली एक्सिस पे वेलोसिटी और इस वाली एक्सिस पे टाइम तो वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे बदलती है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाता है हाउ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम और ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है इनसे हम आगे कुछ और काम भी करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि वेलोसिटी कैसे टाइम के साथ बदलती है वो अपने को वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हम तीन केसेस के लिए बनाएंगे सबसे पहला केस है नो मोशन अगर कोई मोशन नहीं है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा तो ये हमने एक्सिस बना लिया वाई एक्सिस पे वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे टाइम अब कोई मोशन नहीं है अगर कोई मोशन नहीं है इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये स्टोन ये आदमी और इस स्टोन की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो पोजीशन अगर नहीं बदल रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है वेलोसिटी शुड बी ज़ीरो क्योंकि वेलोसिटी होती है जो कि पोजीशन को चेंज करती है तो वी और टी अगर आप लोगे तो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो टाइम इज इक्वल टू वन पे भी वेलोसिटी जीरो टाइम इज इक्वल टू टू पे भी वेलोसिटी जीरो टाइम इज इक्वल टू थ्री पे भी वेलोसिटी जीरो तो वेलोसिटी हर एक इंस्टेंट पे ज़ीरो होगी तो जब मैं यहाँ वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड फाइव सेकेंड लूँगा इधर वेलोसिटी लूँगा यहाँ ज़ीरो यहाँ वन यहाँ टू यहाँ, यहाँ थ्री यहाँ फोर तो हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी ज़ीरो है जीरो पे ज़ीरो वन पे भी जीरो टू पे भी जीरो थ्री पे भी जीरो फोर पे भी जीरो फाइव पे भी जीरो और जब इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक ऐसी लाइन मिलेगी जो कि टाइम एक्सिस के ऊपर ही होगी तो यह टाइम ग्राफ बनेगा जब कोई मोशन नहीं होगा तो क्या है यह लाइन अ लाइन को इनसाइडिंग को इनसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर विद टाइम एक्सिस जो टाइम एक्सिस है उसी के ऊपर हमारी वेलोसिटी वाली लाइन बन जाएगी तो ये नो no मोशन के लिए अब यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसे बनेगा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी इक्वल टाइम में इक्वल पोजीशन चेंज होती है तो वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि अगर टेबल आप बनाओगे ऊपर टाइम नीचे वेलोसिटी तो ये कार ये आदमी और वेलोसिटी है कुछ पर टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट आदमी से इस तरफ दूर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है लेट से फोर मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब एक सेकेंड में चार मीटर चल जा रहा है अगर इनिशियली फोर मीटर था डिस्टेंस तो अगले एक सेकेंड में जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी एट मीटर उससे अगले एक सेकेंड में ट्वेल्व मीटर एंड सोन। तो मोशन है पर यूनिफॉर्म मोशन है मतलब मूव तो कर रहा है बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब टाइम ज़ीरो पे वेलोसिटी फोर टाइम इज इक्वल टू वन सेकेंड पे भी वेलोसिटी फोर टू पे भी वेलोसिटी फोर थ्री पे भी वेलोसिटी फोर एंड सो तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ बनाने के लिए हम अपनी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ये जीरो ये वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड यहाँ आप स्केल लिखोगे जो भी आपने लिया है और यहां आप लिखोगे वन मीटर पर सेकेंड टू मीटर पर सेकेंड थ्री मीटर पर सेकेंड फोर मीटर पर सेकेंड ये वी और ये टी वेलोसिटी वर्सेस टाइम तो यहां वेलोसिटी को किस में आपने लिया है मीटर पर सेकेंड में तो टी इजक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी फोर मीटर पर सेकेंड टी इजल टू वन पे भी वेलोसिटी फोर टी इजक्वल टू टू भी वेलोसिटी फोर टी इजक्वल टू थ्री पे भी वेलोसिटी फोर अब इन सब के सब पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो इन सबके सब पॉइंट्स सब को मिलाने पे हमें एक ऐसी लाइन मिलने वाली है कैसी है ये लाइन अ लाइन पैरल टू पैरल है टाइम एक्सिस के तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में जो वीटी ग्राफ होता है वो एक लाइन होता है जो कि टाइम एक्सिस के पैरल होता है इस केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो पोजीशन चेंज हो रही है पोजीशन इज चेंजिंग और एक्सिलरेशन कितना होना चाहिए एक्सिलेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सिलेशन होना चाहिए जीरो तो ये ग्राफ बना हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अगर आपको इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से पोजीशन में चेंज निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे कैसे कैलकुलेट करोगे तो हाउ टू कैलकुलेट चेंज इन पोजिशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये आप ध्यान से देखेंगे इसके ऊपर हम बड़ा जरूरी काम करने वाले हैं ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना था यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो अपने को पता है कि व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो यहां से चेंज इन पोजीशन क्या आ जाएगा चेंज इन पोजीशन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो अगर आप वेलोसिटी में टाइम की मल्टीप्लाई कर दें ये वेलोसिटी है और इस तरफ टाइम है तो अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की आपको चेंज इन पोजिशन मिल जाएगा और अगर आप इस ग्राफ के ऊपर देखें तो इस ग्राफ के ऊपर वेलोसिटी इस तरफ और टाइम इस तरफ और अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा याद है ना रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ तो इसका मतलब आपको इस ग्राफ के नीचे का एरिया मिल जाएगा और ये आपको चेंज इन पोजीशन देगा सो व्हाट आई कैन राइट कि अगर आपके पास में एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और आपको चेंज इन पोजीशन निकालना है तो आपको उस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना होगा तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ एरिया अंडर Velocity time graph gives change in position. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है कि आपको अगर आपको कभी भी वेलोसिटी ग्राफ से चेंज इन पोजीशन अगर आपको निकालना है तो चेंज इन पोजीशन आपको निकालने के लिए आपको इस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट करना चाहिए अब केस नंबर थ्री टाइम ग्राफ का फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो तरीके का होता है एक होता है वेलोसिटी इंक्रीजिंग तो पहले इसकी बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज अगर कर रही है तो तो कैसे वेलोसिटी ग्राफ बनेगा एक तरफ टाइम इस तरफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है वेलोसिटी लगातार इंक्रीज़ करती जा रही है मान लो टाइम इज इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी थी फोर मीटर पर सेकेंड एक सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई सिक्स मीटर पर सेकेंड दो सेकेंड बाद वेलोसिटी हो गई एट मीटर पर सेकेंड तीन सेकेंड बाद हो गई टेन मीटर पर सेकेंड चार सेकेंड बाद हो गई ट्वेल्व मीटर पर सेकेंड तो इस तरीके से जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है ये हमारी कार थी इस कार की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो इस केस में आप कैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे इस केस में यह टेबल है आपके सामने आप आसानी से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कैसे ये हुआ इस तरफ वेलोसिटी इस तरफ टाइम वन टू थ्री फोर फाइव और यहां वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड सौ तो वेलोसिटी टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी थी फोर ये पॉइंट आ गया टी इक्वल टू वन पे वेलोसिटी हो गई सिक्स तो ये पॉइंट आ गया टी इज इक्वल टू टू पे वेलोसिटी हो गई एट तो ये पॉइंट आ गया टी इज इक्वल टू थ्री पे वेलोसिटी हो गई टेन तो ये पॉइंट आ गया अब इन सबके सब, सब पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं अब सबके सब के सब पॉइंट्स को मिला देते हैं तो कैसा मिलेगा एक ऐसा ग्राफ मिलेगा सो दिस इज ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का मतलब हर एक सेकंड में अगर आप वेलोसिटी में चेंज देखेंगे तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज जो है वो टू मीटर पर सेकेंड का है ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है पर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है इस तो तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा कैसा है ग्राफ अ लाइन इनक्लाइंड एट एंगल विद टाइम एक्सेस टाइम एक्सिस के साथ किसी एक एंगल पे इंक्लाइन और अगर आपको इस ग्राफ से चेंज इन पोजीशन निकालना है कि पहली दो सेकंड में पोजीशन कितनी चेंज हुई है तो आप ऊपर सीख चुके हैं क्या कैलकुलेट करेंगे आप इस ग्राफ के नीचे का एरिया यह एरिया आपको चेंज इन पोजिशन दे देगा सो टू कैलकुलेट चेंज इन पोजिशन और रिपीट कर रहा हूं फ्रॉम VT ग्राफ एरिया अंडर ग्राफ इज टू बी कैलकुलेटेड इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है ये आपको कैलकुलेट करना है और अगर आपको इस ग्राफ से एसिलोरेशन चाहिए तो एसिलेशन क्या होता है एसिलेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है अपॉन टाइम टेकन ज चेंज इन वेलोसिटी एंड दिस इज टाइम टेकन सो एक्सिलेशन विल बी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी और इसी चीज को अगर आपको याद हो इसी चीज को हमने कहा था स्लोप तो इसका मतलब फ्रोम वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप ऑफ ग्राफ गिव एक्सेलरेशन इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देता है और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तब कैसे बनेगा पी फॉर डिक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए ग्राफ मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं आप सोचना ऐसा क्यों बना एक ऐसा ग्राफ बनेगा क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है और अगर आप इस ग्राफ का स्लोप देखोगे तो स्लोप कैसा मिलने वाला है नेगेटिव इसका मतलब एक्सिल्रेशन कैसा होगा एक्सलेशन नेगेटिव होगा वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सिलेशन नेगेटिव और अगर आपको चेंज इन पोजीशन निकालना है तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया आपको एरिया अंडर ग्राफ विल गिव चेंज इन पोजिशन तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनने हैं कुछ केसेस में जो कि हमने लिए थे कुछ स्पेशल केसेस क्या क्या ग्राफ बने हमारे अगर कोई मोशन ना हो तो ग्राफ ऐसा बनने वाला है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ ऐसा बनने वाला है वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है मोशन तो हो रहा है और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो ऐसा ग्राफ अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऐसा ग्राफ तो ये वीटी ग्राफ हैं जो कि हमारे काम आने वाले हैं अब जो लास्ट ग्राफ है दैट इज़ ए ग्राफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम ग्राफ में भी क्या होने वाला है दो एक्सिस हम बनाएंगे इस एक्सिस पे एसिलेशन लेंगे इस एक्सिस पे टाइम लेंगे अब अगर कोई मोशन नहीं है तो एसिलेशन ज़ीरो होगा अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है तब भी एसिलेशन ज़ीरो होगा तो पहले दो केसेस में वर्सेस टाइम ग्राफ सेम बनना है चाहे नो no मोशन हो तब भी यही ग्राफ अगर यूनिफॉर्म मोशन हो तब भी यही ग्राफ क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है और एक्सिलेशन जीरो होता है अब तीसरा केस अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी और वेलोसिटी पॉजिटिव है तो जिस तरफ वेलोसिटी उसी तरफ एक्सिलेशन और एटी ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है जैसे कि इस वाले केस में था इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही थी तो एक्सीशन की वैल्यू टू मीटर पर सेकेंड थी टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी हम यहाँ से कैलकुलेट किए थे देखो चेंज इन वेलोसिटी टू मीटर पर सेकेंड टाइम टेकन टाइम टेकन वाज वन सेकेंड और ये आप कहीं भी कैलकुलेट करो तो सेम आएगा तो एक्सीशन कॉन्स्टेंट था तो उसके लिए आपका ए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और अगर एक्सीशन नेगेटिव है अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो एक्सिलेशन है ये डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव नीचे वाली हो जाएगी नेगेटिव ये टाइम पॉजिटिव ये टाइम नेगेटिव तो ये जो ग्राफ है वो ऐसे बन जाएगा नेगेटिव वाई में तो ये हुआ एक्सिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ याद रखना एक्सिलेशन टाइम ग्राफ कब बनता है ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब एक्सिलेशन हो तभी एसिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनेगा अगर स्पीड बढ़ रही है तो ऐसे पॉजिटिव में अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो ऐसे नेगेटिव में तो ये हमारे तीन ग्राफ हुए जो हमने अब तक किए हैं अब ये तीनों के तीनों ग्राफ कैसे बनते हैं किसी एक मोशन से रिलेटेड मैं उसके लिए आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें मोशन भी आता जाएगा ऑब्जेक्ट का और अलग अलग ग्राफ उस पर्टिकुलर मोशन में पोजिशन टाइम वेलोसिटी टाइम और एक्सीशन टाइम कैसे बनते हैं वो भी होगा चलो बढ़ते हैं आप वीडियो की तरफ तो ये हमारा सिमुलेशन का सेटअप रहने वाला है ये कार रहेगी जिसे हम अलग अलग मोशन दे सकेंगे ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और ये एक्सिलेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है ये अलग अलग पोजिशन्स हैं पाँच मीटर दस मीटर पंद्रह मीटर बीस मीटर और इधर से मैं पोजीशन बदल सकता हूँ इनिशियल पोजीशन जो मुझे रखनी है यहाँ से मैं कुछ वेलोसिटी इसमें डाल सकता हूँ और यहाँ से हम एक्सलेशन भी डाल सकते हैं तो अलग अलग केसेस में कैसे मोशन होगा और कैसे उस मोशन के ग्राफ बनेंगे ये हम अब देखते हैं तो ये हमारा सबसे पहला ग्राफ है जिसमें कोई पोजीशन नहीं कोई वेलोसिटी नहीं और कोई एक्सेलेशन नहीं है और अगर मैं ग्राफ को स्टार्ट करूँ तो टाइम बढ़ता जा रहा है आप देख सकते होंगे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है कार मूव नहीं कर रही है तो पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी ज़ीरो एक्सीशन जीरो सबका ग्राफ एक ओरिजिन वाली लाइन बन गई है अब इसे एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी देते हैं अब करते हैं स्टार्ट कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ एक्सिलेशन अभी भी जीरो है इनिशियल पोजीशन जीरो से स्टार्ट है तो अब आप देख सकते होंगे पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सेस और टाइम ग्राफ नहीं है क्योंकि एसिलेशन जीरो है अब वेलोसिटी बढ़ा के देखते हैं वेलोसिटी बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ता है इन ग्राफ्स के ऊपर अब वेलोसिटी मैंने कर दिया है फाइव मीटर पर सेकेंड तो आप देखते हैं ग्राफ कैसे बनते हैं एक्सीशन अभी भी ज़ीरो है अब देखो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप बढ़ गया है जो सबसे लेफ्ट कॉर्नर में हमारा ग्राफ है वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जो ग्राफ बना है वेलोसिटी का वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है और एक्सीशन टाइम ग्राफ अभी भी नहीं बना है अब हम क्या करते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी रखते हैं और एक्सिलेशन भी ऐड कर देते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन था जो हमने अभी देखा था अब एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जिसमें एक्सिलेशन हो तो अब आप देखो ग्राफ तो ये आपने देखा होगा कैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है एक्सीशन की वजह से कैसे पोजिशन लगातार बढ़ती जा रही है वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है और एक्सीशन कांस्टेंट है और ये ग्राफ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है जब एक कॉन्स्टेंट एक्सिलेशन से कोई एक बॉडी चलेगी और इस ग्राफ को हम देख लेते हैं दोबारा से तो एक ऐसे केस में जिसमें इनिशियल पोजीशन जीरो इनिशियल वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड और एक्सीशन वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये वर्सेस टाइम ग्राफ बना है ये एक लाइन नहीं है ये कर्व है, एक करव है वर्सेस टाइम ग्राफ एक लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है और ये एक्सीेशन वर्सेज ग्राफ है एक्सीशन यूनिफॉर्म है कॉन्स्टेंट है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करती जा रही है और पोजीशन ऐसे बदल रही है इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिफॉर्म एक्सलेशन के कैसे ये ग्राफ कैसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बारे में बात करूंगा और वी ग्राफ से कैसे आप पोजीशन चेंज इन पोजीशन और एक्सलेशन निकालेंगे और कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो आती हैं आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मच